बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी से मैं हूं अलीशा अब्बासी, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। ईद से पहले पेट्रोल 9.64 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। वजारत हसाना का पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपए कमी। डीजल की नई कीमत 282.24 रुपए फी लीटर कर दी गई। एलपीजी की कीमत में फी किलो 6.51 रुपए कमी कर दी गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 76.09 रुपए सस्ता हो गया। ताजरों दुकानदारों से टैक्स वसूली रजिस्ट्रेशन आज से होगी मोबाइल ऐप या एफबीआर के थ्रू। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा, इस्लामाबाद में होगी। स्कीम के तहत दुकानदार कम से कम 1200 रुपए टैक्स अदा करेंगे। छोटे ताजरों दुकानदारों, होलसेलर, सेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। महाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2026 से होगी। बलोचिस्तान काबीना 4 अप्रैल को हलफ उठाएगी। काबीना में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रकीन हलफ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के मीर जहूर बलीदी, मीर सादिक इमरानी की शमूलियत मुतवक। मुस्लिम लीग नून के अब्दुलरहमान खतीरान, शोएब नशेरानी, आसिम गर्दगेलू की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलेदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कलेदी सदर जो बाइडन को जवाबी खत। कहा दोनों ममालिक तवानाई समेत कई शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में तआवुन खुश आइंद है। अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती के लिए काम करने के हवा है। खत्ते की तरक्की के मुश्तरका हदफ की हुसूल के लिए भी मिलकर काम करने के ख्वाहिश रखते हैं। अपोजिशन का ईद के बाद हरनाई बलोचिस्तान से इहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। सराय के मुताबिक रवां हफ्ते अपोजिशन जमातों के ग्रेड लैंड्स का ऐलान कर दिया जाएगा। पीटीआई के असद कैसर, महमूद खान अजगजई, लियाकत बलोच, अख्तर मेंगल में मालूम तय। असद कैसर कहते हैं कि जलाली मैंडेट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बने। अदालतों से हमारा मैंडेट नहीं मिला तो इस जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। हेडलाइंस आपने जानी, फिल्म के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। ए1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।